अमल के दौरान खुशबूयात का आना बीनी बीनी किस चीज़ की अलामत? असल में जो ये अमल पढ़ रहे थे और जो ये इस्मा है, ये चार इस्माओं में से इस्मा है ये। और ये चार इस्मा जो है ये अम्बिया अलैहिस्सलातु वअलैहिस्सलाम को तालीम हुए थे और उनके ज़रिए बुज़ुर्गों तक आए। इन इस्मा में बड़ी बरकत है और बड़ी रूहानियत है, और ये खुशबू आना जो है इसकी रूहानियत के आने जाने की अलामत है कि जब हम विर्द वजीफा पढ़ रहे होते हैं तो जब खुशबू जाहिर होती है तो इसका मतलब ये है कि इसकी रूहानियत आई है और हमारा अमल जो है वो कामयाबी की तरफ जा रहा है, तो ये अमल के कामयाब होने की दलील होती है। दुआ सैफी की मुझे इजाज़त हुई थी, अब जो है वो उसको छोड़ना चाहते हैं, उसके छोड़ने का कोई तरीका या उसके छोड़ने से कोई? देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वजीफ़ा अगर कोई शख्स करता है तो उसको तर्क ना करे, एक बात। दूसरी बात यह है कि दुआए सैफी शरीफ अगर देखा जाए तो आलिम दीन है माशाल्लाह, वो तो उनके लिए 15 मिनट का काम होगा मुश्किल से, वरना उससे पहले भी हो सकती है ख़त्म वो पढ़ के, 10-12 मिनट में भी ख़त्म हो जाती है सैफी शरीफ। तो अगर कोई शख्स निफली इबादत में 15 मिनट भी नहीं दे सके तो ये तो फिर हमारी जो है ना बदबख्ती है ये। और फिर ऐसी दुआ के जिसके लिए बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह मीलों का सफ़र तय करते थे इजाज़त देने के लिए, और पैदल जाया करते थे मीलों। अब बात क्या है कि इसकी अहमियत और हैसियत का हमें इल्म नहीं है और हम पूरी तरह जानते नहीं कि इसकी अहमियत हैसियत क्या है। ये सैफुर रहमान है, अल्लाह की तलवार है, रहमान की तलवार है ये। इसको सैफ सूफिया और सैफ औलिया अल्लाह भी कहा जाता है कि ये औलिया अल्लाह की तलवार है। अब बात यही है कि हम हर कस नाकस को इजाज़त देते हैं इस बात की, तो ये हमारी भी कुछ कोताहियां हैं इस मामले में, कोताही है ये। लिहाजा अल्लाह ताला इनको इस्तेकामत अता फरमाए, ये पढ़ें, ये अल्लाह हिदायत दे इनको, इनको पढ़ना चाहिए इसको। और दूसरी बात ये है, अगर छोड़ना चाहते हैं भी हैं ये, तो एक दफ़ा दुआए सैफी को पढ़कर और थोड़ी सी शीर में रख के मौला कायनात अली करम अल्लाह वजह और हजरत सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया करें, और हदिया करके इस सैफ शरीफ को हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ लौटा दें। ये नियत करें कि जो भी कुछ मैंने पढ़ा है वो मैं आपके सुपुर्द करता हूँ, लिहाजा मैं इससे अब दस्तबरदारी चाहता हूँ। तो वो दस्तबरदार हो जाएंगे उससे, फिर अगर वो पढ़ते भी हैं, नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई रुझत कोई परेशानी उसमें नहीं आने वाली, लेकिन सादत मंदी नहीं होगी। तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, उसने पहचाना खुदा को उसने पहचाना, हिदायत का सही रास्ता शायर आप ही तो है। लाओ फैज़ का दरिया शायर आप ही तो है, मुर्शिद मेरे आशा शायर आप ही तो है।